हेलो गाइस, आज आप करांगे आइस रीडिंग। आइस रीडिंग में अपने को सैक्शन है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। मैं थोड़ा टिप्स से ट्रिक्स शेयर करूँगी थोड़े नाल कि आप एक्यूरेटली आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखो अपने को रीडिंग हैगी है द लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरीक्यूरी। मैरीक्यूरी की लाइफ से वर्क बारे अपन दसिए स्पैसिफिक अपन हैडिंग तो ही पता लग गया। हूँ आप देखते अपने को फर्स्ट क्वेश्चन की कहता है। देखो हूँ अपने को फर्स्ट क्वेश्चन हैगा, मैरी क्यूरीज हसबेंड वॉज अ ज्वाइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबल प्राइज़। वो कहते जो नोबल प्राइज़ से ना मैरी के दोनों है ना, उन्होंने ज्वाइंट विनर से हसबेंड, ठीक है, मतलब सांझे से उन्होंने दोनों प्राइज़ उनके हसबेंड नाल, ठीक है। हूँ आप देखते हैं कि इदा ही जे पैसे जो अपन सेम गल कहूगा तो अपना ट्रू हो जूगा, जे पैसे जो अपन कहूगा भी नहीं ये गल नहीं हैगी है ना तो फाल्स, जे अपन ये बारे गल ना की हुई तो नॉट गिवन, ठीक है। हूँ आप पहला कीवर्ड लैने अपने को कीवर्ड केड़े केड़े है नोबल प्राइज़ एंड हसबेंड, ठीक है। हूँ आप देखते हैं पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्टिंग तो स्टार्ट करा ना। हूँ अपने को आ गया कीवर्ड अपन मिल गए इतने नोबल प्राइज़, ठीक है, हसबेंड भी मिल गया, ठीक है। हूँ आप देखते हैं भी गल की हुई है। विद हर हसबेंड पैरी क्यूरी एंड हैनरी बेकर शी वॉज अवॉर्डिड द 1903 नोबल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। हूँ 1903 उन्हें एक प्राइज़ लिया फिजिक्स लई कि हसबेंड नाल। हूँ इतने अपने कहता उन्होंने कहें भी हाँ वो हसबेंड जो पहला उन्हें नोबल प्राइज़ लिया हसबेंड के नाल ही लिया उन्होंने, ठीक है। हूँ वो कहते एंड वॉज दैन सोल विनर ऑफ 1911 नोबल प्राइज़ फॉर कमिस्ट्री। बट उन्होंने इतने गल कही कि जो उन्हें कमिस्ट्री लिए प्राइज़ लिया 1911 नोबल प्राइज़ कमिस्ट्री लिया सोल विनर से, मतलब इस वो हसबेंड वे नहीं सी इनवॉल्व। हूँ देखो अपने तो पता लगता कि अपन क्वेश्चन कि दोनों से है ना नोबल प्राइज़ उन्होंने हसबेंड मतलब कि योगदान से उन्होंने हसबेंड का, बट वो कहने नहीं एक सगा है ना अपनी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है ना स्टेटमेंट न अपनी जी पैसेज की लाइन सी वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। सो अपना आंसर इज फॉल्स। ठीक है, हुण आप देखते हैं मैरी बिकम इंट्रस्टड इन साइंस वैन शी वॉज़ अ चाइल्ड। वो कहने जो मैरी मतलब साइंस में इंट्रस्टड होगी कदों जो चाइल्ड सी है ना, अपने को कीवर्ड की आ चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड एंड इंट्रस्टड आ जाए अपन ना वो इंट्रस्ट की गल की गई हो देखते हैं। हम पैसेज रीडिंग में हमेशा इदा हों भी जे अपन फर्स्ट क्वेश्चन इतने मिल गया तो अपन ऊपर नहीं जाने की लड़ नीचे ही ये होएगा है ना सैकेंड क्वेश्चन। हूँ आप देखते हैं कि मिलता अपन, देखो अपन स्टार्टिंग ही मिल गया चाइल्डहुड, यानी कि जो चाइल्ड से उदों की गल की गई है ना। हूँ आप पढ़ते हैं मैरी वॉज रिमार्केबल फॉर हर प्रोडिशियस मैमरी एंड एट द एज ऑफ 16 वॉन अ गोल्ड मैडल ऑन कंपलीशन ऑफ हर सैकेंडरी एजुकेशन। वो कहते जो 16 की सी ना उदों उन्हें गोल्ड मैडल जितया सी आपकी सैकेंडरी एजुकेशन की जो कंप्लीट हुई सी, ठीक है। बच्चों पर नैक्सट लाइन पढ़ते हैं बिकॉज हर फादर लॉस्ट हिज सेविंग थ्रू बैड इनवैसटमेंट। उनके जोड़े पिता जी से उन्होंने है ना बैड इनवैसटमेंट के थ्रू अपनी सारी जी सेविंग सी वेस्ट कर ली है ना। शी दैन हैड टू टेक वर्क एज अ टीचर, तो उन्होंने फिर एक वर्क मतलब कि काम करना पाया टीचर के तौर पर, ठीक है, भी वो सारी मतलब कि वेस्ट हो गई सी उन्होंने जी सेविंग से उनके पिता की, फिर उन्होंने ये वर्क किया टीचर। देखो हम इतने टीचर की गल है अपने थोड़ा घुमा के आंसर दिता वा, जो तो वर्क टीचर के करन लग गई यहाँ मतलब कि है ना वो जंग इतने जंग एज की गल होगी, तो अपन अपन तो सिर्फ चाइल्ड चाइल्डहुड की गल चाहिए ना कि जो चिल्ड्रन सी, ठीक है। हूँ अपने इतने इन्ना दस उन्होंने कि भी वो मैडल जीती सी ना जो 16 की सी है ना, होर अपन कुछ नहीं दस कि इंट्रस्टड सी। जो हूँ अपने इतने दसिया होंगे ना भी वो मैथ में इंट्रस्टड सी इंग्लिश में इंट्रस्टड सी जां एनी सब्जेक्ट है ना, तो अपनी कॉन्ट्राडिक्ट कर जानी सी फॉल्स आ जाना सीगा। जे अपन कहें भी हाँ बई मतलब कि साइंस में इंट्रस्ट सी है ना, फिर अपना ट्रू आ जाना सी। बट हूँ अपन उन्होंने इंट्रस्ट की गल ही नहीं की कि साइंस इंट्रस्ट से या किसी होर चीज़ इंट्रस्ट है, ठीक है। सो अपना आंसर इज नॉट गिवन। अपना सेकंड आंसर आ गया नॉट गिवन, ठीक है। हूँ आप देखते हैं मैरी वॉज एबल टू अटेंड द सॉर्बन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। वो कहने जो मतलब कि मैरी ने अटेंड किया सॉर्बन, हूँ देखते हैं सॉर्बन पैसेज पता लगू अपन की है बिकॉज ऑफ हर सिस्टर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। उन्हें सिस्टर ने कंट्रीब्यूशन किया फाइनेंशियल ता ही वो एबल हुई सी अटेंड करने लिए, ठीक है। हूँ आप देखते पैसे में यह गल हैगी कि नहीं। हूँ अपने कीवर्ड की है सिस्टर आ जाए है ना फाइनेंशियल आ जाए है ना अपने को सिस्टर फाइनेंशियल आ जाए
ਤੇ ਸੌਰਬੋਨ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਿਸਟਰ ਠੀਕ ਆ ਸਿਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੌਰਬੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਹਰ ਅਰਨਿੰਗ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹਰ ਸਿਸਟਰ ਬਰੋਨੀਆਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਪੈਰਿਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਏਬਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਂਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਾਲਸ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੌਰਬੋਨ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਬਰੋਨੀਆ ਵੁੱਡ ਇਨ ਟਰਨ ਲੇਟਰ ਹੈਲਪ ਹਰ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਨੀਆ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੇਗੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਬਰੋਨੀਆ ਕਰੇਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨ 1891 ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਾਜ਼ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਰੋਨੀਆ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਵੈਨ ਟੂ ਪੈਰਿਸ ਐਂਡ ਬਿਗਨ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਐਟ ਦਾ ਸੌਰਬੋਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਬਰੋਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਬਰੋਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ 1891 ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਉਹਨੇ ਸੌਰਬੋਨ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਏਬਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਰੀ ਸਟੋਪ ਡੂਇੰਗ ਰਿਸਰਚ ਫੋਰ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰ ਵੈਨ ਹਰ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਬੋਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਬੋਰਨ ਹੋਈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਬੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕੀ ਵਰਡ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਦੇਅਰ ਮੈਰਿਜ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਦ ਬਰਥ ਆਫ ਹੈ ਨਾ ਬੋਰਨ ਬਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਟੂ ਡੋਟਰਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂ ਡੋਟਰਸ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਰਾਨੀ ਐਂਡ ਐਵੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਟਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਇਰਾਨੀ ਐਂਡ ਐਵੇ 1897 ਐਂਡ 1904 ਫੇਲਡ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਹਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1897 ਐਂਡ 1904 ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਟਰਸ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰਨ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਡੋਟਰਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪਟ ਹਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਕ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੇਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਪਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਲਡ ਇੰਟਰਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰੁਕਾਵਟ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਫੇਲਡ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਂਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਰੀ ਟੁੱਕ ਓਵਰ ਦ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਡ ਹੈਲਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ
टीच भी मिल गया है ना अपन, टीचिंग टीच हूँ आप दे दिया, अपन पता लगे लोकेशन यही आप हम देख दिए पढ़ के। द सडन डैथ ऑफ हर हसबेंड इन 1906, वो कहने मतलब कि उन्होंने हसबेंड की डैथ हो गई है ना 1906, वॉज अ बिटर ब्लो टू मैरी क्यूरी बट वॉज ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इन हर करियर। वो कहने यदा करियर का ना टर्निंग पॉइंट से जो उन्हें हसबेंड की डैथ हो गई सी, ठीक है क्यों असं हूँ अगे पढ़ते वा। हैंसफोर्थ शी वॉज टू डिवोट ऑल हर एनर्जी टू कंप्लीटिंग अलोन द साइंटिफिक वर्क दैट हैड अंडरटेकन। वो कहती भी उन्हें सारी अभी एनर्जी सी ना अपने साइंटिफिक वर्क में लाती। ऑन मे 13, 1906 शी वॉज अपॉइंटेड टू हर प्रोफेसरशिप दैट हैड बीन लैफ्ट वैकेंट ऑन हर हसबेंड डैथ। वो कहती उन्होंने अपॉइंटेड किया गया उस वैकेंसी लिए है ना जेडे उनके हसबेंड के मतलब कि डैथ होने तो बाद लैफ्ट पई सी, ठीक है। तो वो कहते बिकमिंग द फर्स्ट वूमेन टू टीच एट सारबोन, भी जो जो उन्होंने हसबेंड सारबोन पढ़ाते थे उन्होंने डैथ तो बाद वैकेंसी खाली पई सी, बाद में उन्होंने वाइफ को दी गई है ना। फिर उही गल होगी ना कि उन्होंने उही जी टीचिंग पोजिशन हासिल की जी उन्होंने हसबेंड को। सो अपना आंसर इज ट्रू, आपां नूं इहदे विच वी इदां ही कहा क्वेश्चन विच वी उही उन्होंने लई सी टीचिंग स्किल टीचिंग पोजिशन। मैरी सिस्टर ब्रोनिया स्टडी द मेडिकल यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हुण अपने कोल पता की आ, आप एक देखना वा मैरी सिस्टर ब्रोनिया मेडिकल यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी मेडिकल यूज हो है ना अपने को। हुण देखते हैं आप इहदी लोकेशन कित्थे मिलदी अपन मैरी सिस्टर ब्रोनिया। अपना इतों तक तो हो गया सी, अगे देखते हैं आप। देखो ठीक है ब्रोनिया मिल गई अपन। हुण आप एक लाइन पहला इतों स्टार्ट कर लें। In 1932 इन वॉरसो ऑफ फ्रीडियम इंस्टीट्यूट। वो कहें 1932 है ना 1932 वॉरसो ऑफ फ्रीडियम इंस्टीट्यूट सी जिथे उनकी सिस्टर डायरैक्टर बन गई सी, ठीक है डायरैक्टर बन गई सी। हुण देखो अपने इस लाइन में उन्होंने सिर्फ इन्नी गल ही दसी है कि 1932 है ना उनकी जी सिस्टर ब्रोनिया सी डायरैक्टर बन गई, पर उन्होंने अपनी गल दसी नहीं है ना कि भी मैडिकल यूज जिहड़ा सीगा उन्हें उहदे बारे पढ़िया सी जां खोज कीती सी, कुछ भी नहीं इहदे बारे गल दसी। सिर्फ लोकेशन अपने को मिल गई है ना, बच्चे कह देंगे कि सानूं नॉट गिवन सानूं क्वेश्चन की लोकेशन मिल गई सी है ना, बट आंसर फिर भी नॉट गिवन आ गया। नॉट गिवन आंसर इदा आता, देखो हूँ अपना लोकेशन तो मिल गई कि वो ब्रोनिया सिस्टर की गल हो रही है ना इंस्टीट्यूट चो, उन्होंने इन्ना ही कहा भी डायरैक्टर बन गई, पर उन्होंने यही कहा कि उन्हें किसी चीज़ की खोज की थी या कोई मेडिकल यूज स्टडी किए थे, बिल्कुल नहीं है ना। सो अपना तो आंसर नॉट गिवन आएगा, अपने सिर्फ इन्ना ही दस कि रेडियम इंस्टीट्यूट में वो डायरैक्टर बन गई। सो अपना आंसर नॉट गिवन। देखो जो आप सैकेंड किया है ना अपने को भी नॉट गिवन सी, भी अपनी लोकेशन मिल गई है ना भी वो चाइल्डहुड की लोकेशन मिल गई सी, बट फिर भी अपना आंसर नॉट गिवन सी। नॉट गिवन तां सी क्योंकि उन्होंने साइंस की इंटरस्ट की कोई गल नहीं की सी है ना, सिर्फ वो चाइल्डहुड बारे यही दसिया कि उन्हें जो सैकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की सी तो उन्हें मैडल जितया, ठीक है इसलिए नॉट गिवन आंसर आया। लोकेशन मिलती होंगी है नॉट गिवन की, नॉट गिवन दो तरीक़े आता, फस्ट लोकेशन मिल जाती है जब गल नहीं की होंगी, जो फिर लोकेशन ही नहीं मिलती पूरी गल ही नहीं की होंगी, अपनी लोकेशन भी नहीं फाइंड होंगी ता भी नॉट गिवन आ जाता। सो आप इदा आंसर फाइंड करने, ये अपने को टिप्स आ भी आप पहले कीवर्ड पिक करना फिर आप पैसेज में जाना, पूरी लाइन आप पैसेज चो नहीं मिलती होंगी, आप सिर्फ मेन जे कीवर्ड अंडरलाइन कर लेने दैन आप पैसेज चो फाइंड करा, ये अपने एकूरेसी भी ज़्यादा आएगी आंसर फाइंड करने, टाइम कंज्यूम भी घट होएगा। ओके थैंक यू।